फ्री हैं आप, तो कम से कम आपको अपने सिलेबस के उन बिंदुओं को मजबूत करना चाहिए जो आपके कमजोर है, और किसी एक वैकेंसी को जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसको टारगेट कीजिए और उसको ठीक तरीके से तैयार कीजिए। ये बेसिकली मंजिल की ओर की गई यात्रा का कोई पड़ाव नहीं है कि अरेस्ट करने लग जाओ, ये यात्रा है, ये चलती रहेगी। आपको अपना लक्ष्य जो आपने सोच रखा है वो जब तक नहीं मिलता है तब तक आप लगे रहिए। मैंने यहाँ तक देखा कि आपको सोशल मीडिया प्रभावित करता है, आपकी लाइफ को कोई और रेगुलेट कर रहा है, आप किसी का स्टेटस देख के प्रभावित होते हैं, आपने आप हर 10-20 मिनट में स्टेटस लगाते हैं, फिर वो स्टेटस कोई देख रहा है, आप ये देखते हैं कितने लोगों ने देखा, मैंने तो सिस्टम बंद रखा, फिर आप ये देखते हो कि उसके ऊपर किस किस व्यक्ति ने रिएक्ट किया कि नहीं किया, आपने कहीं पे कुछ लिखा, उसके नीचे कमेंट्स आया, मानसिक रूप से अशांत होते हैं। आपके मस्तिष्क के ऊपर सोशल मीडिया इस कदर हावी हो रखा है, आपके मस्तिष्क के ऊपर यूट्यूब इतना हावी हो रखा है कि आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे, इतना घोल समय आप खराब कर रहे हैं। एक ओलंपिक के अंदर जब खिलाड़ी खेलने जाता है तो आपको पता है कि 4 साल बाद ओलंपिक होता है, उसकी तैयारी को 15 साल पहले शुरू कर देता है, उसको पता है कि ओलंपिक खेलना है, ओलंपिक होना ही तय बात है, आज नहीं होगा तो कल होगा, मैं मतलब आज इस ओलंपिक में एलिजिबल नहीं हुआ अगले में होगा तो पक्का, तो आपको पता है कि खिलाड़ी को पता है कि ओलंपिक होगा और उसको टारगेट करते हुए वो उसकी तैयारी 10-12 साल पहले शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ से पदक जीत सके। अब खिलाड़ी से कितना कुछ सीखने की आवश्यकता है, और जब कंपटीशन कोई प्रतिस्पर्धा नजदीक नहीं होती है तो खिलाड़ी अपने आप को खूब तरसता है, 100 मीटर की दौड़ के लिए वो 5-5, 20-20 किलोमीटर भागता है ताकि उसका स्टेमिना डेवलप हो सके, वो पिछले ओलंपिक में की गई कमियों को ठीक करता ताकि आगे के ओलंपिक में वो अच्छा पदक जीत सके। आपने भी मंथन किया कि पिछले एग्जाम्स में जो कमियां रही उसको आपने क्या ठीक किया इस खाली टाइम में, अभी पीछे जो एग्जाम गए हैं 4-4, 2-3 महीने हो गए, इन 2-3 महीनों में पीछे की कमियों की लिस्ट बना के आप ठीक करना शुरू करते तो आप 3 महीने में ठीक कर लेते, क्या आपने किया? नहीं किया आपने। एक अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, जब तक आप इस तरह से अपने आपको जो अपनी कमियां वगैरह है इस वक्त में, ये सबसे बेहतर वक्त यही होता है तैयारी का, जब कोई प्रेशर नहीं होता, बहुत ठंडे दिमाग से आप काम कर सकते हैं, उस समय आप इस तरह से अगर भंवर में उलझे रहोगे तो समय गुजर जाएगा, वैकेंसी आएगी, फिर वही जल्दबाजी करोगे, गाइडों के चक्कर में पड़ोगे, टेस्ट सीरीज के चक्कर में पड़ोगे, कोचिंग के चक्कर में पड़ोगे, क्योंकि कोचिंग की फायदा तब देती है जब आपके पास वक्त होता है, कोचिंग कभी फायदा नहीं दे पाती जब 4 महीने रही और आप कोचिंग करो, कोचिंग का फायदा देगी जब परीक्षा नजदीक नहीं हो, फिर आप किसी अच्छे शिक्षक से 7-8, 9 महीने, 10 महीने पढ़ते हो ढंग से, तब कोचिंग फायदा देती है क्योंकि उसकी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो, तब जाके कोचिंग फायदा देती है। 5 महीने रहते फिर बच्चे कोचिंग जुड़ते हैं, फिर आप गाइड्स लाते हो, बहुत सारी किताबों को इकट्ठा करते हो, रिजल्ट कहाँ से आएगा? रिजल्ट लाने के लिए जब ये खाली वक्त होता है जिसे आप ऑफ सीजन कह सकते हो, इस समय आप ढंग से तैयार कीजिए, अपने कमजोर पक्ष को सबसे पहले मजबूत कीजिए।